कल की डेट में आपके जी ऊपर, आपके ठेले पर आपके ऊपर हमला हो सकता है, कभी सोचा है इसके बारे में? सर, मैं तो बस आज के बारे में सोचता हूँ, और यदि कोई हमला भी होता है तो शायद उस हमले के बाद हम और अपने आप को अगली बार मजबूती से और ज्यादा शक्तिशाली बन के फिर वहां पे आए। तो हर हमला, हर परिस्थिति इंसान को मजबूत बनाता है। तो मैं उस हमले के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। और फिर जो एजुकेशन माफिया है, तो मैं तो उन्हीं के बच्चे को गाइड कर रहा हूँ। आखिर बच्चे तो वहीं से आते हैं ना। लेकिन एक सेकेंड, अगर बच्चों का प्रॉब्लम आप सॉल्व करने लगे हैं तो वो कोचिंग क्यों जाएंगे? जब कोचिंग नहीं जाएंगे तो कोचिंग चलना बंद बंद हो जाएगा। कोचिंग फिर तो कोचिंग वाले की जो रोजगार है वो तो बंद हो जाएगा, तो नजर किस पे जाएगा? वो तो जाएगा अमित जी के ऊपर। मैं इसलिए जी कह हाँ, रहा हूँ हाँ, कि कल के डेट में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो, भगवान ना करे। तो मतलब इसके बारे में आप क्या प्रिपेयर हैं? ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आप अच्छे से। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ सर। बस मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं जो हूँ अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और जैसे हमले की चीज है या किसी भी कोचिंग माफिया का हमला हो, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि यदि वो हमला मेरे ऊपर करते हैं तो दो चीजें हो सकती है। शायद उस हमला के बाद हम नहीं रहे, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक ना एक दिन, यही लाइफ में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सबको जाना है वहां। हाँ दूसरी चीज, यदि उस हमला के बाद भी हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं, तो फिर अगले बार और मजबूती और सशक्त होके हम इस काम को करेंगे। अमित जी, कुछ प्रश्न सवाल है।